हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जियोलॉजी का। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोलॉजी न्यूज़ सेक्शन, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट जियोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड जियोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो न्यूज़ आजकल चल रही है, दैट इज जीलैंडिया। जीलैंडिया अर्थ हिडन कॉन्टिनेंट। सो अर्थ में एक कॉन्टिनेंट पाया गया है जो कि ओशनिक वाटर सरफेस के से ढका हुआ था, हाइड था, एंड इसका नाम है जीलैंडिया। सो नाउ वी हैव द 8 कॉन्टिनेंट्स इन अवर अर्थ या फिर ऑन अवर अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जीलैंडिया क्या है, कैसे इसका पता चला, एंड व्हाट आर द फीचर्स जो भी इसमें मिलते हैं। सो इसके लिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साइट पर। सो नाउ वी आर हेयर ऑन द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका वेबसाइट, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने टाइटल दे रखा है जीलैंडिया अर्थ हिडन कॉन्टिनेंट। सो अकॉर्डिंग टू देयर एब्स्ट्रैक्ट, ओके, अ 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन इज मेड ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का जो लार्ज एरिया है, अराउंड 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो ओशनिक क्रस्ट के द्वारा फॉर्म किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, दिस इज़ द पैसिफिक ओशन एंड ओके, एंड अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें, सो दिस इज़ द साउथ वेस्ट रीजन, एंड ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ अवर ऑस्ट्रेलिया, एंड ये जो न्यूजीलैंड कंट्री है, इसके सराउंडिंग जो एरिया है, यहाँ पर हमको एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिली हुई है, ओके। एंड इसी क्रस्ट के बेसिस पर हमने एक नया कॉन्टिनेंट बताया है, जिसको कहते हैं जीलैंडिया। सो देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। द रीजन हैज़ एलिवेटेड बाथीमेट्री रिलेटिव टू द सराउंडिंग ओशनिक क्रस्ट, डाइवर्स एंड सिलिका रिच रॉक्स, एंड रिलेटिवली थिक एंड लो वेलोसिटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एक क्रस्ट होने के लिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो यहाँ पर इस एरिया के द्वारा फुलफिल की गई हैं। इट्स आइसोलेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड लार्ज एरिया सपोर्ट इट्स डेफिनेशन एज कॉन्टिनेंट जीलैंडिया। अब चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया से अलग है, उससे अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको एक नया कॉन्टिनेंट का दर्जा दे सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर ये किसी और कॉन्टिनेंट में मिक्स हो जाता, सो हम उनको कम्बाइंडली सिंगल कॉन्टिनेंट कहते, ओके। सो इन टूडे इट इज़ 94% सबमर्स्ड, मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड लेट क्रिटेशियस क्रिस्टल थिनिंग प्रिसीडिंग सुपर कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप एंड कंसिक्वेंट आइसोस्टेटिक बैलेंस। अगर हम इसकी बात करें, हम थोड़ा और नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया है, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप ऑफ क्रस्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं जियोलॉजिकली, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। और यहाँ पर 14 प्लेट्स भी हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं, ओके। इन कॉम्बिनेशन दीज इंडिविजुअल प्रोवाइड्स अ पावरफुल डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क इन विच टू अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्टिगेट अर्थ हिस्ट्री एंड प्रोसेस। इनके थ्रू हम अर्थ की हिस्ट्री और जो भी प्रोसेसेस हुई हैं, उनको हम पता कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड मैप ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग जीलैंडिया। तो जीलैंडिया को इन्होंने इंक्लूड करके एक ये इमेज शो की है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि वेरियस कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पर शो किया गया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड हियर इज अंटार्कटिका। सो ये जो न्यूजीलैंड कंट्री है, इसके सराउंडिंग होने के कारण इसका नाम रख दिया गया है जीलैंडिया, ओके। सो यहाँ पर आप काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, और ये जो ग्रे कलर में दिखाया गया है, दिस इज़ द न्यूएस्ट वन, जीलैंडिया, ओके। सो अगर हम बात करें कि क्या ये कॉन्टिनेंट्स जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ये कम्प्लीटली फुलफिल करता है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया रखा है, द ग्लॉसरी ऑफ जियोलॉजी डिफाइंस अ कॉन्टिनेंट एज वन ऑफ द अर्थ्स मेजर लैंड मासेस इंक्लूडिंग बोथ ड्राई लैंड एज वेल एज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। एंड इसके जो क्राइटेरिया हैं, वो 3-4 क्राइटेरिया रखे गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो देखते हैं ये क्राइटेरिया क्या हैं। फर्स्ट वन इज हाई एलिवेशन रिलेटिव टू द रीजनल रीजन्स
फ्लोड बाय ओशनिक क्रस्ट। तो जो भी रीजन्स में ओशनिक क्रस्ट है उससे ये इसका एलिवेशन ज़्यादा होना चाहिए। एंड सेकेंड, अ ब्रॉड रेंज ऑफ सिलिशियस, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सो जो काफ़ी एक ब्रॉड लार्ज एरिया की इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होनी चाहिए जो कि कंपोजिशनली सिलिशियस हों, यानी कि जैसा कि हम पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंट्स का कंपोजिशन कैसा होता है, सियालिक कंपोजिशन होता है, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। सो ये उस कंडीशन को भी फुलफिल करता है। नाउ द थर्ड जो कंडीशन है, दैट इज थिकर क्रस्ट एंड लोअर सिस्मिक स्ट्रक्चर देन ओशनिक क्रस्ट रीजन्स। तो जो भी कॉन्टिनेंट होता है उनकी क्रस्ट थिक होती है एंड लोअर सिस्मिक वेलोसिटी स्ट्रक्चर भी वो शो करते हैं इन कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्टल रीजन्स। नाउ जो दो फोर्थ वन है, लास्ट वन इज वेल डिफाइंड लिमिट्स अराउंड अ लार्ज इनफ एरिया टू बी कंसिडर्ड अ कॉन्टिनेंट रादर देन अ माइक्रो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट। अब जैसे अगर आप देखें मेडागास्कर को, जो कि अफ्रीका के साउथ ईस्ट में पड़ता है, सो उसमें भी हालांकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बट वो एक लार्ज एरिया, इनफ एरिया नहीं है कि उसको हम कॉन्टिनेंट कह सकें। सो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट। बट ये जो जीलैंडिया है, ये ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है बट ये ऑस्ट्रेलिया से कम्प्लीटली सेपरेटेड है एंड इसका जो वॉल्यूम है, जो एरिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। सो ये चारों कंडीशंस को ये फुलफिल करता है एंड नाउ वी कैन से दैट इट इज़ अ कॉन्टिनेंट। नाउ थोड़ा और नीचे जाने पर इन्होंने ये दिया हुआ है स्पेशल लिमिट्स ऑफ जीलैंडिया बेस मैप फ्रॉम स्टैगपोल बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम स्मिथ एंड स्वेंडवेल। सो जो भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये एक इमेज भी दी हुई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये उस कॉन्टिनेंट की कंप्लीट इमेज है जीलैंडिया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ पर यह ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नज़दीक आ जाता है बट इट इज़ सेपरेटेड। सो कुछ इस तरीके से ये जीलैंडिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी बाउंड्री बनती है। नाउ अभी तक हमने देखा कि क्या ये जीलैंडिया है, व्हाट इज जीलैंडिया एंड इसके बारे में अ लिटिल बिट नॉलेज। अब हम देखते हैं एज अ कॉन्टिनेंट जीलैंडिया कौन कौन से फीचर्स को पजेस करता है। सो नाउ जीलैंडिया, न्यूजीलैंड एंड न्यू सेलेडोनिया आर लार्ज आइसोलेटेड आइलैंड इन द सदर्न एंड द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। सो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में दो लार्ज जो है आइलैंड्स मिलते हैं अपन को, न्यू सेलेडोनिया एंड न्यूजीलैंड। सो दे नेवर बीन रिगार्ड्स एज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। इनको हमेशा से एक अलग से दिखाया गया है, कभी भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं दिखाया गया था। ऑल्दो जो जियोग्राफिकल टर्म है ऑस्ट्रेलिया इज ऑफन यूज्ड फॉर द कलेक्टिव लैंड एंड आइलैंड ऑफ द साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन। सो जियोग्राफिकली ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था बट जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो चूंकि ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से सेपरेटेड है सो इट्स अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। नाउ अगर हम इसको समराइज करें सो देखते हैं इसका एलिवेशन किस तरीके का है, ये जो न्यू कॉन्टिनेंट हमको मिले। सो कॉन्टिनेंट्स एंड देयर कॉन्टिनेंटल सेल्फ वेरी इन हाइट, हाइट में ये काफ़ी वेरी करते हैं बट आर ऑलवेज एलिवेटेड रिलेटिव टू द ओशनिक क्रस्ट। क्योंकि हाइट में भले ही वेरिएशन है लेकिन ये हाइट हमेशा से ही ओशनिक क्रस्ट से ज़्यादा एलिवेटेड है। सो एलिवेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनी फीचर्स, फंडामेंटली लिथोस्फीयर डेंसिटी एंड थिकनेस एंड एज वेल एज द प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके सो एंड हम और देखते हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है। जियोलॉजी की अगर हम बात करें सो बाई इट्सेल्फ रिलेटिवली हाई एलिवेशन केवल हाई एलिवेशन ही इनफ नहीं होता है किसी को क्रस्टल कॉन्टिनेंट को हम कह सकते हैं बट यहाँ पर ये बताते हैं ओशनिक लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस भी हैं सच एज ऑनटोंग जावा प्लेटू का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ये भी जो है एलिवेशन इनका ज़्यादा है बट दे आर नेवर कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि उसमें जो अदर कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। सो अगर हम जियोलॉजी की बात करें इन कंट्रास्ट कॉन्टिनेंट हैव डाइवर्स असेंबलीज ऑफ आर्कियन टू होलोसीन इग्नियस मेटामॉर्फिक एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड ये रॉक्स हो सकती हैं ग्रेनाइट, रियोलाइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ग्रेविक, सिस्ट, नीस
एंड विच आर अरेंज्ड इन ओरोजेनिक बेल्ट्स एंड सेडिमेंट्री बेसिन्स। और ये भी जो भी रॉक्स हैं ये ओरोजेनिक बेल्ट से एसोसिएटेड होनी चाहिए एंड डिफरेंट सेडिमेंट्री बेसिन से भी ये एसोसिएटेड होनी चाहिए। सो एसेंशियल जियोलॉजिकल ग्राउंड इज ट्रूथ फॉर जीलैंडिया। इट इज प्रोवाइडिंग बाय मैनी आइलैंड आउटक्रॉप्स, ड्रिल कोर, जीनोलेथ्स एंड सी बेड ड्रेज सैंपल ऑफ पैलियोजोइक, मीसोजोइक, ग्रेविक्स, सिस्ट, ग्रेनाइट्स एंड अदर सिलिशियस कॉन्टिनेंटल रॉक्स दैट हैव बीन फाउंड विद इन इट्स लिमिट। सो इस तरीके से इसकी जियोलॉजी जो है वो भी फुलफिल करती है इसको टू बी अ कॉन्टिनेंट। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने दिया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो इसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के। सो हालांकि इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ और भी बताया हुआ है बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ इट्स का पास्ट लाइफ। सो जीलैंडिया एज पार्ट ऑफ फॉर्मर गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है एंड अपर पैनल शोज द मीसोजोइक ओरिजिन कन्वर्जेंस मार्जिन दैट वाज एक्टिव अंटिल 105 मिलियन एनम, जबकि लोअर पैनल शोज द प्री ब्रेकअप इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन ऑफ जीलैंडिया एंड वेस्ट अंटार्कटिका फ्रॉम 105 to 85 मिलियन एनम। नाउ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग सब्सिक्वेंटली स्प्लिट गोंडवाना इंटू प्रेजेंट डे कंस्टिट्यूएंट कॉन्टिनेंट्स। देर आर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस विद ईस्ट अंटार्कटिका फिक्स्ड एंड फ्रॉम मोर्टिमर एंड चैम्पबेल, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो ईस्ट अंटार्कटिका से फिक्स होती हैं इसकी। ओके इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ बताया गया है लाइक इसका डेवलपमेंट, इसका सबमर्जेंस किस तरीके से हुआ है, देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस। ओके सो यू कैन रीड द फुल आर्टिकल हियर। ओके सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।